नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रक जंक्शन में। और ये जो टिपर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको आज ही आइसर ने अनवील किया है। ये नॉनस्टॉप सीरीज के अंदर आने वाला एक शानदार टिपर है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, इसकी इंजन पावर कितनी है, ड्राइवर अंदर बैठ के कितना कंफर्टेबल होने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रंट की। तो आप देख सकते हैं, फ्रंट से देखने में ये ट्रक काफी ज्यादा अमेजिंग और बल्की दिखता है। अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे हमें आइसर का लोगो लगा हुआ मिल जाता है, ऊपर हमें विंडस्क्रीन मिल जाती है, और क्लीन करने के लिए यहाँ पे 3 वाइपर्स हमें दिए गए हैं। हैंडल बार भी दिए गए हैं ताकि जो पर्सन है वो आराम से खड़े होकर के ऊपर से कुछ भी साफ वाफ करना वो कर ले। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सा बम्पर भी हमको मिल जाता है। अब अगर साइड में आए तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो साइड में यहाँ पे हमें 1, 2, 3 RVMs मिलते हैं। और उसका रीजन ये है कि जो ड्राइवर है उसको पीछे का सब साफ और दूर तक दिखता रहे। यहाँ पे हमें एक ये मिरर मिल जाता है जिसका काम यहाँ के ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना है। तो ड्राइवर अगर उधर बैठा हुआ है तो वो इस मिरर से देख करके पता कर सकता है कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 240 लिखा हुआ मिल जाता है। 240 का मतलब ये है कि ये जो ट्रक है वो 240 HP की पावर प्रोड्यूस करने वाला है। अब अगर टायर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफी बड़े 295/90R20 के टायर्स इधर देखने को मिलते हैं। अब अगर थोड़ा पीछे आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बैटरीज वगैरह मिल जाती हैं। और इस टिपर को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए जो सिस्टम है वो इधर आप देख सकते हैं, हमें पूरे हाइड्रोलिक्स वगैरह लगे हुए मिल जाते हैं और ये काफी मजबूत हाइड्रोलिक्स है। यहाँ पे हमें एक स्पेयर टायर मिल जाता है। और अगर पीछे की बात करें तो सेम ही जो डायमेंशन है उसके टायर हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ट्रक की अगर बैक प्रोफाइल की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं और इनको भी कवर रखा गया है। और आप देख ही सकते हैं पीछे से कितना बड़ा टिपर यहाँ पे हमें आइसर की तरफ से देखने को मिल रहा है। फ्यूल टैंक और डेप्थ टैंक की बात की जाए तो यहाँ पे हमको 220 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और 33 लीटर का डेप्थ टैंक देखने को मिलता है। अब इस ट्रक का जो GVW है वो 19 टन है और इस बात में कोई शक नहीं कि काफी शानदार और पावरफुल ट्रक यहाँ पे हमें आइसर की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब चलिए ट्रक के अंदर चलते और देखते हैं ड्राइवर के लिए कितना कंफर्टेबल होने वाला है। अब अगर सबसे पहले ड्राइविंग कंपार्टमेंट की बात की जाए तो चढ़ना बहुत आसान है। यहाँ पे हमने देखा था स्टेयर्स दी हुई थी। अब अगर सीट की बात की जाए, सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट यहाँ पे हमें ड्राइवर के लिए देखने को मिलती है। पावर स्टेयरिंग मिल जाता है और काफी अच्छा कैबिन आप देख सकते हैं इधर हमें आइसर की तरफ से देखने को मिला है। कंप्लीटली AC कैबिन है तो धूप ऊप कुछ भी हो आप मस्त बंद करिए, AC में बैठिए और चलाइए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आइसर की तरफ से एक बहुत शानदार ट्रक हमें देखने को मिला है। नॉनस्टॉप नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रक कहीं भी नहीं रुकने वाला। तो आपको ये ट्रक कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ट्रक जंक्शन को फॉलो कर लें।